अगर आप लोग सुजलॉन के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो करंटली सुजलॉन के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं। करंटली काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे, लेकिन मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं या कंपनी के शेयर से उतने ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फिर से डिस्कशन करते हैं सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स के बारे में, करंटली इस कंपनी के शेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप लोग सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स 25 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को एक हफ्ते के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स 0.58% से गिर चुके हैं। प्रीवियस एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 9.15% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एफडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी यहाँ पर आपको इतने रिटर्न्स एक महीने में नहीं मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 244% के रिटर्न दिखाई देंगे। 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स 513% से ग्रो कर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 79% से गिर चुकी हैं। तो चलिए इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है जानते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पर। जैसे कि आप लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी की जो नेट इनकम की ग्रोथ है ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज -6.93 का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी का जो एवरेज है वो 0.15% का निकल कर आता है। इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 0.15% की है, मतलब ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर काफी तेजी से इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 53% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 78% का हो गया है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 2 सालों में इस कंपनी के शेयर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ आपको फिनोमिनन दिखाई देगी। सेम ट्रेंड आपको कंपनी के नेट इनकम में भी दिखाई देगा, कंपनी के नेट इनकम सीधे डबल से ट्रिपल हो चुकी है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी बढ़ेगा, और यहाँ पर यही चीज हम लोगों को दिखाई दे रही है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। अगर आप बैलेंस शीट के फिगर को भी देखेंगे तो बैलेंस शीट के फिगर में भी असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते हुए दिख रही है, और इसी के साथ साथ लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो कंपैरेटिवली लाइबिलिटीज भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। अगर आप इस कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 3497% का, वहीं पर इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है -148% का। लेकिन अगर आप इस कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। इंडस्ट्री का एवरेज 97.82% का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज है 97.38% का। अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी, जैसे कि कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है, कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है, कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100 करोड़ का अमाउंट दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो यहाँ पर 305 का पॉजिटिव फिगर है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। प्रमोटर्स ने 13.29% शेयर को होल्ड किया है, वहीं पर अगर प्लेज की बात की जाए तो इस कंपनी के 10.23% शेयर प्लेज किए गए हैं, मतलब अपने शेयर्स को प्लेस करके प्रमोटर्स ने फंडिंग उठाई है या किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से इसे प्लेस किया गया है। म्यूचुअल फंड ने 4.98% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 5.93% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIIs ने 10.87% का इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल एंड अदर पार्टीज ने मिलकर 65% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपको वोलेटाइल दिखाई देंगे, और यहाँ पर अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने सिर्फ 13% के आसपास के शेयर्स को होल्ड किया है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रही है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 3 से 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको करंटली इस कंपनी के शेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जितना कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो नहीं करेगी उससे ज्यादा कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी आ सकती है, और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है।
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।